एक साथ 200 LCD टीवी का ऑर्डर मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी। खुश तो मैं भी हूँ। मत होइए खुश। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब जब खुशी आती है ना, तो उसके पीछे प्री गिफ्ट की तरह टेंशन भी आ जाता है। बहू, मुझे चिंता है कि अगर टप्पू ने किसी गलत लड़की के साथ शादी कर ली तो टप्पू का क्या होगा, और उस लड़की ने अगर तुझे और जेठा को तकलीफ दी तो तुम दोनों का क्या होगा। इसलिए बहू, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी एक अच्छे खानदान की लड़की के साथ हो जाए। आपकी इच्छा पूरी होगी और साथ में मेरी इच्छा भी पूरी होगी, सास बनने की। मतलब? बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है। हाँ। तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। ये नट्टू काका सच ही कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी बड़ी खुशी आती है साथ में उतना ही बड़ा टेंशन फ्री में लेकर आती है। ये दया बापू जी, टप्पू अभी तक तो सब छोटे छोटे बम फोड़ते थे, इस बार तो डायरेक्ट परमाणु बम फोड़ दिया। क्या करूं, मेरी जिंदगी के फायर ब्रिगेड एक ही है बेचारे मेहता साहब, उनको ही बोलता हूँ। जब भी मेरा प्रॉब्लम सुनते सीधा अपना बम्बा निकाल के टन 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 करके मेरे पीछे आ ही जाते। अरे जेठालाल, आओ आओ। अरे बहुत परेशान लग रहे हो जेठालाल, क्या हो गया? आओ आओ, चलो बैठो। अरे मेहता साहब, बैठने का टाइम नहीं है। अरे इतनी जल्दबाजी, इतनी परेशानी, जेठालाल आखिर बात क्या है? ये बापू जी शादी के लिए पीछे पड़ गए। शादी इस उम्र में? वैसे एक बात बताओ जेठालाल, इस उम्र में एक साथी की जरूरत जरूर होती है। मेहता साहब, मैं उनकी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो क्या तुम्हारी दूसरी शादी करा रहे? अरे भाई, मुझे पता होता कि शादी के बाद आदमी का ऐसा हाल होता है तो मैं पहली शादी भी नहीं करता। तुम भी नहीं, फिर किसकी शादी की बात कर रहे हो? टप्पू की। टप्पू की? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे जिद कर रहे हैं और दया भी उनका ही साथ दे रही है। अरे जेठालाल, तुम तो समझदार हो ना, तुमने समझाया नहीं कि बाल विवाह एक अपराध है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते तुम लोग ये। मैंने समझाया मेहता साहब के बाल विवाह अपराध है, कानूनन अपराध है, पर मानने को तैयार ही नहीं है। आप चलिए ना घर, उनको समझाइए प्लीज। इसमें गलत क्या है? अरे चाचा जी, ये बाल विवाह गलत है। सबसे पहले तो ये अपराध है, ये गैर कानूनी है, आप ये कर नहीं सकते। मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ? अरे क्या मेहता साहब, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर इस कम पढ़े लिखे की बातों में आ गए। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बच्चे की शादी होती है तो उसका बाप जेल में जाएगा। अरे मैं क्यों जाऊँ जेल में, मैं तो शादी के खिलाफ हूँ। हाँ तो मैं चली जाऊंगी जेल, बापू जी की खुशी के लिए मैं फांसी चढ़ जाऊंगी। दया भाभी, बाल विवाह की सजा फांसी चढ़ना नहीं होता है। तो फिर क्यों डरते हो? अरे ये गैर कानूनी है डोबी, है ना मेहता साहब? अरे इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या गैर कानूनी? तुम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते। ये जेठा बिना बिल के माल बेचता है, वो गैर कानूनी नहीं है। और मेहता साहब, आप दूसरे की अंग्रेजी किताब को हिंदी में लिख कर अपना नाम छपवाते हो, वो गैर कानूनी नहीं है क्या? चाचा जी, वो किताब अपने नाम से नहीं लिखी जाती, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद, और उसमें उनकी इजाजत साथ में होती है, वो कहते हैं तब हम ट्रांसलेट करते हैं। पर हुई तो चोरी ही ना, कोई काम बिना रिश्वत दिए होता नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है। सोसाइटी में कांटे का पेड़ तुड़वा दिया, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? और मेहता साहब, आप जब जयपुर गए थे तो चालू टिकट लेके TC को पैसा देकर सीट ले ली थी, क्या वो गैर कानूनी नहीं था? हाँ तो मेरे टप्पू की शादी रुकवाने के लिए आ गए। दोस्ती धर्म निभाते हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म कौन निभाएगा? बोल। हाँ, बोलते क्यों नहीं हो, बोलिए। बोल। जेठालाल। हाँ? अच्छा, हाँ। अरे जेठालाल, क्या बोलूं मैं, समझता वही है जो समझना चाहता है, मैं इससे ज्यादा इन लोगों को और नहीं समझा सकता। तो क्या आप भी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए? अरे नहीं भाई। तो मम्मी, लोग इतने टेंशन में क्यों हो? जेठालाल, वैसे बात तो टप्पू ठीक कह रहा है, हम टेंशन में क्यों हैं? टप्पू से ही पूछ लेते हैं, ये खुद मना कर देगा। चाचा जी, आप खुद पूछ लीजिए ना टप्पू से। टप्पू बेटा इधर आ। हाँ दादाजी। टप्पू शादी करेगा? हाँ बोल बेटा। हाँ।
क्या हाँ बोल, क्या हाँ क्या बोल, उसे तय करने दे। ना बोल बेटा ना बोल। चुप रे बाबू चा, कहीं का टप्पू शादी करेगा ना? शादी मैं सोच के बताऊंगा। अरे अरे टप्पू सुन, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेहता साहब आपने तो कहा था कि टप्पू फौरन ना बोल देगा, वो तो सोच कर बताऊंगा करके चला गया। अरे मैंने कहा इसका क्या मतलब? अरे क्या मैंने क्या क्या मतलब, आप बच्चे का जजमेंट नहीं ले सकते हैं? आपका पढ़े लिखा होने का क्या फायदा फिर? अच्छा इसमें मेरे पढ़े लिखे होने की कहाँ से बात आ गई? बात मत करो मेहता साहब, पूरी बाजी बिगाड़ के रख दी आपने। मैंने बाजी बिगाड़ दी? मैंने क्या, मैंने बोला तो तुम्हारे घर वालों को टप्पू की शादी कर दो। बात कर रहे हो, और तुम भी थोड़ा धीरे बोलो नहीं तो सब सोसाइटी वालों को मालूम पड़ जाएगा। अरे सोसाइटी वालों को तो टीवी सीरियल से ज्यादा मेरे घर की स्टोरी में इंटरेस्ट होता है। अच्छा अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब दूध के उबाल जैसा है, थोड़ी देर में सब अपने आप शांत हो जाएगा। मेहता साहब ये मेरे घर का उबाल है मेहता साहब, को बबल बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ये देखो देखो इसको है कोई चिंता फिक्र, गया खेलने। मेहता साहब कहीं टप्पू ने हाँ कर दी तो कर दो शादी। गोली पिंकू ये सब क्या है? आज हम गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलेंगे। अरे तो लड़कियों का खेल है। नहीं इसमें बहुत मजा आएगा, हम में से कुछ लोग लड़की वाले बनेंगे और कुछ लड़के वाले, क्यों है ना? हाँ। फिर? अरे फिर क्या टप्पू, लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या मजा आएगा यार। अरे टप्पू एक बार खेल के तो देख। देख टप्पू हम हमेशा बैडमिंटन फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते ही है, बट फॉर अ चेंज आज गुड्डा गुड्डी का भी खेल खेल लेते हैं, क्यों है ना? प्लीज टप्पू, प्लीज 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 टप्पू प्लीज। ओके 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 ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं लड़के वाला बनूंगा। ठीक है तो मैं पिंकू गोली और चिंकी लड़की वाले बनेंगे और बाकी लो लड़के वाले। ओके तो ठीक है, गुड्डे का नाम राज और गुड्डी का नाम सिमरन। गोली जी कल दिल वाले दुल्हनिया देखी क्या? हाँ। चलो तुम लोग हमारे घर राज का रिश्ता लेके आओगे। ओके हम लोग आते हैं, जल्दी चल चल। एक मिनट, हम लोग आए क्या? हाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए आइए बैठिए। मैं सिमरन का पापा मिस्टर हाथी और उसकी मम्मी। मैं राज का पापा मिस्टर गड़ा और ये राज की मम्मी मिसेस गड़ा। अरे भाई मेहमानों के लिए नाश्ता ले आओ। जी अभी लाई। आपको घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? ये तो गार्डन है गोगी, हम खेल रहे हैं, यह हकीकत नहीं है। अरे लीजिए, शर्माइए मत। इसमें क्या है? इसमें समोसे और रसगुल्ले हैं। पर हमारे राज को चॉकलेट और एक्सिंग पसंद है ना राज? वो भी आ जाएगी। हमारा राज तो आ गया, पर आपकी सिमरन को तो बुलाइए। जाओ सिमरन को ले आओ। जी ले आती हूँ। मुझे मेरी सिमरन बहुत प्यारी है। मुझे मेरा राज बहुत प्यारा है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सिमरन को क्या पसंद है? इसे कार्टून फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। हमारा राज तो क्रिकेट बहुत खेलता है, और आपकी सिमरन क्या करती है? हमारी सिमरन डांस में बहुत होशियार है, अभी अभी उसने बुगी बुगी में पार्ट लिया था। हमारा राज गाने में बहुत होशियार है, इंडियन आइडल 5 में जाने की सोच रहा है। और क्या करना चाहता है आपका राज? राज इंजीनियर बनना चाहता है। हमारी सिमरन तो पेंटर बनना चाहती है। घर पे पेंट करेगी क्या?
कोगी पेंटर मतलब चित्रकार, घर में पेंट करने वाली नहीं। हाँ बोल। हमारे राज को आपकी सिमरन बहुत पसंद है। हमको भी पसंद है। हमारी सिमरन को भी आपका राज बहुत पसंद है। ओए तो ये रिश्ता पक्का। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। देखिए हमारी सिमरन का ख्याल रखना। अरे कोई कहने की बात है, हम आपके सिमरन को अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, बहुत सारी चॉकलेटें देंगे। हम भी राज को टी शर्ट, जीन्स और पावर रेंजर्स देंगे। बस दूल्हे राजा जो मांगेगा उसे सब मिलेगा। अगर साइकिल चाहिए तो? हाँ वो भी मिलेगी। सच? दूल्हा जो मांगेगा उसे सब मिलेगा? हाँ। टप्पू शादी करेगा? अगर शादी के लिए हाँ कह दूँ तो मुझे नई गियर वाली साइकिल मिल जाएगी। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। अरे टप्पू, अरे टप्पू, बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनूंगी। ए चुप। बापूजी आप टप्पू की शादी करवाएंगे तो सोसाइटी में मैं मजाक बन जाऊंगा। वो तो तू रोज बनता है। बापूजी कभी तो आप मेरे बारे में सोचिए। ठीक है, हम टप्पू की शादी समूह लगन में करवा देंगे, तेरा खर्चा बच जाएगा बस। अरे बापूजी ऐसा थोड़ी होता है, मेरा एक ही तो बेटा है। बैंड बाजा के साथ रथ में सवार होके अनठाट माट से शादी करेगा मेरा लाल। ए उत्साही, शांति शांति बापूजी। ए भाई ये तेरी बकबक का फटा हुआ तंबूरा बंद कर ले। मेरा फैसला मतलब स्टैम्प पेपर जैसा, एक बार लिख दिया सो लिख दिया। ठीक है बापूजी, आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन टप्पू शादी के लिए राजी होगा? दादाजी टप्पू ने फैसला कर लिया। क्या? टप्पू शादी करेगा। शादी करेगा वाड़ी, अपनी स्कूल बैग तो भर नहीं सकता, चला शादी करने। ले टप्पू भी तैयार है अब। बापूजी चलो मान लिया कि ये टप्पू भी शादी करने को तैयार हो गया, इसे लड़की देगा कौन? मेरी माँ। मतलब मेरी माँ को कहूंगी ना तो मेरे जैसी सुशील मीठा बोलने वाली और प्यारी कन्याओं की लाइन खड़ी कर देगी। तेरे जैसी? हाँ क्या बुराई क्या है मेरे में। बापूजी जा अंदर जा या बाहर जा। दादाजी अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी? अरे मेरे लाल तू जो बोलेगा वही होगा। अरे तू तो मेरा दूल्हा राजा है, मेरा टप्पू राजा। दादाजी तो फिर मेरी शादी कराओ। तो बापूजी मैं बैंड बाजे की तैयारी करूं? अरे हाँ हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, अरे करो। ए हेलो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज है। क्या? टप्पू के दादाजी टप्पू की शादी करवाने वाले हैं। शादी शादी शादी? टप्पू ये कैसे हो सकता है, तुम तो इतने छोटे हो। हाँ इतने छोटे बच्चे की कभी शादी हो सकती है क्या? हाँ दादाजी ने मजाक किया होगा। टप्पू के दादाजी कभी मजाक नहीं करते। ओए टप्पू तू सच में शादी करेगा? हाँ ये गुड्डे गुड्डी का खेल जैसे नहीं, सचमुच अब तो मेरे मजे हो जाएंगे, अब तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी। ओए टप्पू शादी करने में बड़ा फायदा है क्या? हाँ अब तो मैं राजा बनूंगा राजा, मैं जो कहूंगा वही होगा, जो मांगूंगा वही मिलेगा। ऐसा है तो हम सब शादी करेंगे। तुझे शादी करनी है? हाँ मुझे शादी करनी है। ओके तेरी शादी करवा दूंगी बस। सच? वाओ जैसे तू 21 साल का हो जाएगा ना तेरी शादी करवा दूंगी। ओके नहीं नहीं मुझे अभी शादी करनी है। अरे गोली
ये शादी कोई चॉकलेट है जो अभी दे दूं? नहीं, मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। एक मिनट, ये अचानक शादी का भूत कैसे सवार हो गया सर पर? क्योंकि टप्पू शादी कर रहा है। जो टप्पू करेगा तू भी वही करेगा। हाँ, टप्पू छत से छलांग लगाएगा तो तू भी लगाएगा। नहीं तो फिर यार, टप्पू ऐसा बेवकूफ वाला काम भी नहीं करेगा। ओए पापा जी, मुझे राजा बनना है, मुझे शादी करनी है। चल ली अवे, शादी करनी है, राजा बनना है, जाके होमवर्क कर होमवर्क, टीचर डांटेगी। हमारी टीचर कहती है कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। वाह वाह मम्मी, वाह वाह। ओ रोशन, तू भी इसके साथ मिल गई? अरे बाबा, सिर्फ कहावत में, शादी में नहीं। पापा प्लीज, एक बार शादी के लिए हाँ कह दो ना, अगली बार मत करना। क्या मुसीबत है यार। रोशन, लगता है भिड़ी से ही बात करनी पड़ेगी। क्या? अरे हमारे जमाने में भी ऐसे बचपन में शादी नहीं हुआ करती थी। बाल विवाह करना कानून अपराध है, आप लोग जानते नहीं है क्या? वो हम जानते हैं यार, पर वो गुग्गी है ना, वो जिद पकड़ के बैठ गया कि मुझे शादी करनी है। हाँ, मेरा गोली कहता है टप्पू शादी कर रहा है इसलिए मैं भी शादी करूंगा। हाइट, अगर ये मामला यहाँ नहीं रुका ना तो एक शिक्षक की सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। अरे इस टप्पू की वजह से ना सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा है माधवी हमारी सोनू इन बच्चों में नहीं है। वैसे तो सारे फसाद की जड़ हमेशा जेठालाल के घर से शुरू होती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। यू आर राइट पीड़े परा, अब तो एक ही रास्ता बचा है, जेठालाल के घर जाकर उससे बात करते हैं। क्यों भाइयों, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो फिर, चलो चलो, लेट्स गो। ओए जेठालाल, 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 जेठालाल। बच्चों ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेंगे, यानी कि बच्चों को जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन शायद उसमें गलती कहीं हमारी है। हम वो जो अभिभावक हैं, आप वो जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों से बात करिए, उनके दोस्त बनिए, उन्हें समझाइए कि किस उम्र में किस चीज की जरूरत है उन्हें। और मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि जब आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। जरूरत है उन बच्चों के बाल सुलभ मन को समझने की। उन्हें समझिए और फिर देखिए वो कैसे मासूमियत से समझ जाते हैं सारी चीजें। और जब आप एक दूसरे को समझ लेंगे तो मिलके देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।